हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो है संडेज व्लॉग। सो संडे है गाइस, संडे वाले दिन भी हमें बहुत सारे काम होते हैं। और गाइस, मेरी जो पैर में लग गई थी तो अभी दर्द है, तो मैं देखो ऐसे ऐसे चल रही हूँ। सो गाइस, मैंने इतनी सारा मूव स्प्रे डाला था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। जब मैंने सिकाई करी गाइस, उससे मुझे आराम हुआ। और गाइस, ठाकुर जी के लीजिए, ये बैठे हुए हैं हमारे ठाकुर जी। और आज इन्होंने, ये माँ बैठी हुई है, माँ की नथ देख लो। कल मम्मी माँ के लिए नथ लेके आई थी, मम्मी ने कहा इनके लिए मैं कुछ नहीं लाई हूँ। और साथ में ठाकुर जी ने आज पहना है येल्लो, ये देखिए येल्लो येल्लो पहन के बैठे हुए हैं आराम से। सो गाइस, बस इनको नई नई ड्रेसेस चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए इनको। अब इनके लिए खिलौने लाने, खिलौने नहीं है, ये टॉफीज़ भी चाहिए इनको, चॉकलेट भी चाहिए इनको। राधे राधे बोल दो सबको, राधे राधे। सो गाइस, बस यही है लाइफ। बस कल अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ, मेरा पैर मुड़ गया स्लीपर्स से, और वो ऐसे करके यूं गिर गई। मैं तो वो जो ये नसें होती है ना, ये ऐसे हो गई तो सूज गई उससे। सो गाइस, मैंने बाथरूम से निकाल के कर दी है बाहर, आप देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ इजीली मैं कपड़े धो लेती हूँ, बहुत स्पेस है यहाँ, ये देखिए खूब आराम से कपड़े यहाँ पे धुल जाते हैं। तो अभी मैंने मशीन लगाई हुई है, ये इतने कपड़े हैं, ये मुझे धोने हैं अभी। इस फटाफट से मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर कार्तिक को भी पढ़ाना है, बिकॉज उसके 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। सो गाइज, जब तक मैं उसके पास बैठती नहीं हूँ तब तक वो पढ़ेगा नहीं, आपको पता ही है। सो गाइज, आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल पकौड़ाज रेसिपी, विच इज़ वेरी फेमस फ्रॉम दी बुंदेलखंड, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू बुंदेलखंड। सो दिस इज फेमस रेसिपी ऑफ माई विलेज। सो डेफिनेटली गाइज, आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए गाइज। सो आई विल जस्ट शो यू एवरीथिंग दैट कैसे आपको बनानी है। सबको आता है, बट ये तरीका सबका अलग अलग होता है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। तो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको आज दिखाऊंगी, ठीक है? पैर में चोट लग गई है, लेकिन फिर भी मैंने कहा संडे है, देखी जाएगी, बना लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्चुअली गाइज, मेरे साथ ना ये वाली चुल्ल बहुत है कि मैं बैठ नहीं सकती, तबीयत भी खराब होगी फिर भी लगी रहूँगी। कल इतनी ज़्यादा चोट लग गई मेरे, इतना दर्द था, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, इतना मतलब रोना आ रहा था मुझे दर्द से। उसके बावजूद भी जैसे ही मैंने सिकाई करी, मुझे आराम पड़ गया, मैं उठ के काम करने लगी, लंगड़ा लंगड़ा के बर्तन धोने लग गई। ये कह रहे तो पागल है, जब मैं कर ले रहा हूँ, रहने दे मत धो। मैंने कहा नहीं, मैं कर रही हूँ, तुम बैठो। मैं बैठ नहीं सकती गाइस, मुझसे बैठा नहीं जाता। जैसे जरा सा बुखार होता है, पड़ जाते हैं बिस्तर में, पाँच पाँच छः छः दिन तक नहीं उठते। तो गाइस, ऐसा नहीं है मेरे साथ, मुझे ये लगता है नहीं, उठ काम कर, उठ घूम। सो गाइस, चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे। हाँ, आपको ये दिखा दूँ मैं, मूंग दाल है वो मैंने यहाँ पे भिगा दी है, देखिए ये देखिए, ये हमारे गाँव की, हमारे खेतों की दाल है गाइस, देसी दाल है ये। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी वाली दाल थी, तो ये हमने मैंने भिगो दी और बहुत अच्छे से भीग गई है। अब क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे करके इसको धोना है, और इसका ये छिलका जो है ये अलग हो जाएगा, दाल अलग हो जाएगी, ये देखिए। तो छिलके जो है वो मैं गाय को डाल दूंगी, दाल मैं पीस लूंगी। सो गाइज, मैं अभी दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में इसकी रेसिपी। सो स्टे विद मी एंड प्लीज 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 गाइज, सपोर्ट मी, गिव मी मोर व्यूज, मोर लाइक, मोर कमेंट गाइज, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। वाई, क्या मेरे चैनल के साथ हो रहा है मुझे नहीं पता, इतने दिनों से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। सो प्लीज यूट्यूब टीम कुछ कीजिए, मेरे चैनल को मोनिटाइज कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए प्लीज। अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती हूँ मैं, इतना कुछ दिखाती हूँ सबको, कहीं भी जाती हूँ वहाँ का सब चीज़, तो आप प्लीज़ जल्दी जल्दी बढ़ाइए मुझे। सो गाइज, मोस्टली घर का काम डन हो गया है, और अब लड्डू के लिए बना, क्योंकि लड्डू को चीला पसंद है और चाय पसंद है, तो चीला और चाय का भोग लगा के उन्हें थोड़ी देर के लिए सुला देंगे। और उसके बाद गाइज, मैं भी थोड़ा अलमारी सेट करूँगी, जो अलमारी है बिल्कुल मैसअप हुई पड़ी है, और देख लीजिए मेरी हालत कैसी हो रही है, इतनी नींद आ रही है मुझे। लेकिन घर का काम भी करना है, पैर भी है कि काम करते करते गाइस पैर थोड़ा मैंने चलाया ना, तो थोड़ा मुझे रिलीफ मिला है, क्योंकि अगर हम पैर बिल्कुल नहीं चलाएंगे तो फिर वो जाम हो जाता है ना, दर्द अगर होता है उसमें। बाकी गाइस, सिकाई करने का मुझे टाइम नहीं मिला, बस मैं अभी ये करके सिकाई करने ही जा रही हूँ फटाफट से। और बच्चों की दादी आने वाली है, कल नानी आई थी, अब आज बच्चों की दादी आने वाली है, तो बच्चे वेट कर रहे हैं दादी के आने का, फिर तो दादी के साथ एंजॉय करेंगे, पूरा दिन रहेंगे, बस हो गया। बोलो
कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वाली वाली। सो गाइस रेसिपी देख लीजिए मूंग की दाल के पकौड़ों की। ये मैंने दाल है जो यहाँ पे ग्राइंड कर ली है, और यहाँ पे जो पालक और जो हरी प्याज होती है वो मैंने मिक्स कर लिया इसमें, और अब यहाँ पे ये पकौड़े निकल रहे हैं। देख लीजिए, देखिए गाइस, गाइस लिटरली ये इतने टेस्टी होते हैं खाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है बनाना, ये देखिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके साथ हरी चटनी भी बनाई है मैंने, ऐसी हरी चटनी बनाई है मैंने बढ़िया सी हरी धनिया की, ये देखिए। तो जो जो स्नैक्स को खाना चाहता है फटाफट आइए और टेस्ट कीजिए। और हमारी आंटी हैं गुड़गांव में, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये मंगोड़े, तो वो जब भी आएंगी तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगी उनके लिए। तो गाइस बस फटाफट से बनाते हैं खाते हैं, और आज आराम नहीं मिला बिल्कुल भी गाइस, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था आज दिन में। बस फटाफट से साथ के साथ मैंने आलू बैगन की सब्जी भी बना दी शाम के लिए, बस फटाफट से फ्री होते हैं पूजा करते हैं। ये देखिए मैंने बनाया रोबोट थोड़ा, और दवा की ताऊजी ने हेल्प करी। तो गाइस देखिए, रुक जा पाइप टूट गई इसकी। देखिए गाइस कितने तेज गाइस चल रहा है, और गाइस देखिए डांस कर रहा है ये रोबोट। रोबोट का भाई आ गया। देखिए गाइस इसमें बहुत सारा मटेरियल लगा है, आप देख सकते हो गाइस। ये तार वार का काम है जो आगे का ये ताऊ जी ने किया है गाइस, ये होता है आपको थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पे अब चालू कर, आप दे मसला हो गया है, रोबोट तैयार। देखिए गाइस अब चालू होगा, देखिए कितना मस्त डांसिंग रोबोट है। और गाइस मैं बना रहा था, मेरे से बनी नहीं रहा था, एकदम से ताऊ जी आ गए। और गाइस देखिए बाकी आधा मैंने किया है, बाकी पूरा चीज ताऊ जी ने किया है तार वार लगाने का। कितना मस्त लग रहा है। तो गाइज मिलता है आपको थोड़ी देर में। सो गाइज आज का बहुत ही हैट्रिक डे था, और पूरे दिन काम हो गया। पकोड़े एक बार के बन गए, अब दूसरे बने, देख लीजिए बढ़िया बढ़िया से पकोड़े बन गए। घी हलवा रखे हैं तो मैं बना रही हूँ उनके लिए, ये देखिए ये बन गए हैं यहाँ पे। गाइज जो हमारी रोबोट मैडम है वो एकदम तैयार हैं, और गाइज देखिए रोबोट मैडम के कपड़े वगैरह भी हो गए हैं, और एक छोटी सी चुटिया भी हो गई है। और गाइज ये सारा मटेरियल्स में इसमें लगा है, मैं आपको बता दूं, एक बैटरी लगी है, एक डीसी मोटर लगी है, एक इंक लगी है जो मतलब यूजुअली पेन में इंक होती है, उसको काट के आप लोग डीसी मोटर पे लगाइए। और गाइज जो वायर होती हैं डीसी मोटर और इसकी बैटरी की, उसको कनेक्ट कर ब्लैक से ब्लैक को, और गाइज या और ब्लैक से ब्लैक को, रेड से रेड को। और गाइज ये देखिए इधर इसका बटन है, तो इसको अगर हम ऑन करेंगे तो ये चल पड़ेगी। तो गाइज ये बहुत ही मस्त मॉडल है साइंस एग्जीबिशन के। गाइज ये जो मॉडल है इसमें आपको पूरे 20 में से 20 मार्क्स मिल चुके हैं। और गाइज मैंने फेस देखिए कैसा बनाया मैडम जी का, देखिए। तो गाइज ये देख, सो गाइज ये देखिए कितना मस्त, और इसके हैंड्स भी हैं देखिए गाइज ब्लैक कलर के। और गाइज इसको आपको ज़्यादा भारी नहीं करना है। और गाइज एक और मटेरियल है वो मैं आपको बताना भूल ही गया, देखिए गाइज। और गाइज आइसक्रीम स्टिक्स हैं जो इससे इसके पैर बने हैं, मेरे पास ग्लू गन अवेलेबल नहीं थी इसीलिए मैंने टेप का इस। तो गाइज ये बहुत ही मस्त रोबोट है। और गाइज इसकी ड्रेस देखिए ज़रा एक बार, इसकी आपको अगर आप इसके कपड़े बना दोगे तो ये बिल्कुल भी मैसी वर्क नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो एकदम मैसी वर्क लगता है कि जैसे कि तार वार इसकी दिखती हैं, तो गाइज वो सही नहीं है। गाइज ऐसा मॉडल बनाइए और अपने टीचर्स को इम्प्रेस करिए। एग्जीबिशन में आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल चुके हैं सकते हैं। आज रोबोट आपको बाय करेगा। सो गाइज इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज।